कमल का मेरा आज पानी बदली हूँ और पूरा पानी इसका गंदा हो गया था, तो सप्ताह में एक बार या फिर 15 दिन में एक बार बदलना पड़ता है। मैं भी आज इसके पानी निकालती हूँ और ये दूसरा पानी इसमें डाल रही हूँ, इसीलिए इसका कलर मटमैला है। धीरे धीरे ये साफ हो जाएगा। मैं अपने कमल के रख रखाव कैसे करती हूँ आपको बताऊंगी। ये मेरा कमल का खराब है, ये खराब पत्ता को हमें तोड़ना पड़ता है, हम इसे तोड़ के फेंक देते हैं और ये अच्छा पत्ता फिर से इसमें निकल कर आएगा। और इसमें मैं महीने में एक बार खाद डाली थी DAP, तो मैं दिखाती हूँ। आज फिर एक माह हो गया तो मैं आज DAP की खाद डालूंगी। ये है मेरा DAP की खाद, जिसे मुझे आधा चम्मच दो पुड़िया बनाना है, ये आधा चम्मच एक और पुड़िया। और हमें कागज की पुड़िया इसलिए बनाना पड़ेगा कि इसमें हम डायरेक्ट खाद नहीं डाल सकते, पुड़िया बना के डालेंगे तो धीरे 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 खाद घुलेगा अंदर में, और ऐसे ही डाल देंगे तो तुरंत ही पानी में घुल जाएगा और हमारे कमल का जो जड़ है वो खराब हो जाएगा। तो हम बस इसकी पुड़िया बना के इसकी मिट्टी में इसे धसा देना पड़ता है। ये मेरा दूसरा पुड़िया, मिट्टी में हमें धसा देना पड़ेगा। मेरे कमल इसमें ज्यादा देखभाल की जरूरत नहीं पड़ती है। मेरे कमल पत्ता भी कितना बड़ा बड़ा है। बस इसमें और ज्यादा केयर की जरूरत नहीं पड़ती है। इसे मैं एक ही बीज से ग्रो कर रही हूँ, मेरे एक ही प्लांट है ये, पूरा टब में फैल गया है, बड़ा बड़ा पत्ता भी हो गया है। ये सर्दी में मरने के कगार पे हो जाता है कमल, पूरा छोटा छोटा पत्ता हो गया था, ऐसा लग रहा था कि ये मर ही गया हो। अगर ऐसे नहीं होता है, आप सर्दी खत्म होते ही इसका पत्ता फिर से ग्रो करने लगता है और अच्छा सा, तो आप सर्दी खत्म होते इसका पानी बदल दें और अच्छा से इसको ध्यान दें और थोड़ा सा DAP डाल दें, तो ये फिर बड़ा बड़ा पत्ता आ जाएगा, फिर इसमें फ्लावर आएंगे। देखिए मेरे ये पत्ता, देखिए गर्मी में बस इतनी ख्याल रखें कि इसमें पानी भर के रखें टब में, इसमें ऐसे नहीं कि पानी कम रखें तो धूप में पानी गर्म हो जाएगा और हमारे प्लांट खराब हो जाएगा, तो इसमें पूरा भर के पानी रखें। और मैं करती हूँ, बताती हूँ, मैं तो इसमें रोज थोड़ा शाम को इसका पानी खाली कर देती हूँ और फिर अच्छा पानी फिर से डाल देती हूँ। मैं रोज ये करती हूँ तो मेरे कमल और अच्छा सा है और अच्छा दिख रहा है, अच्छा ग्रो कर रहा है। तो मैं उम्मीद कर रही हूँ कि इस बार इसमें फ्लावर आ जाए, जैसे इसमें फ्लावर आएगा तो मैं फिर से वीडियो बनाऊंगी। बस आज के लिए इतना ही।